जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम बैक टू माय चैनल मिस इंडियन सेफ ओडिया। तो आज मुझान सहित तो बहुत टेस्टी एंड इजी गोटे स्नाक्स रेसीपी आपत सेयार करने को जाऊँगी। तो वीडियो को एंड जाए जरूर देखु, बिल्कुल भी स्किप करेंगे नी। तो एमती नुआ नुआ रेसीपी वीडियो देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आदि आपको ये रेसीपी गुड़िक भल लगुच तो मत नि कमेंट बक्स में जनातु। आज जो रेसीपीटा मुझे शेयर करने जाऊँगी से रेसीपी बनवा बहुत इजी और खाइबा बहुत टेस्टी। तो चलत रोसे स्टार्ट करवा। तो ये मुझे वेजिटेबल्स को छोट छोट कर गाजर बीटरूट अल्प किटा ग्रीन मटर दुईटा कंचा लंका आ गोटे पिज ये सब वेजिटेबल्स आज आम स्नाक्स यूज करवा और ता सहित मुझे सीझा आलू को भी यूज करी। एबे आम सब वेजिटेबल्स को फ्राई करवा। तो ये मुझे कड़ाई गरम कर नौ दुई चामच रिफाइन तेल दे दौर तेल भल भाव गरम हो सारापर कि कंचा बादाम को फ्राई कर नौ आपण जदि रोस्टेड बादाम अच्छी तो आप यूज करेंगे। तो ये आपने देखिपे बादाम भलसे फ्राए हो सारा कलर भी चेंज हो सारा। तो ये आम बाहर करनवा से सेम कड़े तेल अच्छी तो आक्सट्रा तेल मुझे पकाऊना। तो ये मुझे जीरा आ गोटा धनिया को पकई दे भल भाव फुटी सारापर मुझे किसी भुर्संग पत्र पकईदे। तो ये आम ये काटि रखी कंचा लंका को पकईद लंका टिके फ्राई हो सारापर आम ए काटि रखी पिज को पकईद। पिज को ये बेस टाइम फ्राए करवा ना जस्ट अल्प टिके फ्राए हो सारापर आम सब वेजिटेबल्स को पकईद। तो ये आपने देखिपे पिज भल भाव फ्राए हो सारा। तो ये मुझे सब वेजिटेबल्स को एका सांगे दे दूची। ये आम सब वेजिटेबल्स को बहुत भल भाव फ्राए करवा। तो ये मुझे स्वाद अनुसार लुण दूची हाफ चामच हल्दी पाउडर हाफ चामच लंका गुंड पाउडर और हाफ चामच जीरा पाउडर देकि भलसे मिक्स करवा। या छड़ा आपण अन्य कोनोसी मसला देबे नै नले खाइबा को भल लागिन थाए। तो ये आपण माने देखि परथुए सब मसला को मिसेई कि मु भल भाबरे फ्राई करूची। त आमे ताकु लिड कभर करके छाड़ी दबा सिचिवा पई। तो ये आपण माने देखि परथुए सब वेजिटेबल्स भल भाबरे सिजि सारलाणी। तो एबे मु कोन करबी गोटे सिझा आलू रखी से आलू को भल भाव चकटिकी दे देबी वेजिटेबल्स पर। तो ये आम आलू सहित तो सब वेजिटेबल्स को मिसेकी भल भाव फ्राए करवा। तो ये आलू वेजिटेबल्स को बेसी टाइम फ्राए करवा ना पांच मिनिट फ्राए करदे ये हो। तो आपण मैंने देखिपे आलू मसला बनिक रेडी सारी। तो ये मुझे थापाई प्लेट में काढ़ी नौ। तो ये आपने देखिपे आलू मसला भल भाव थंडा हो सारा। तो भाजी रखी बादाम को मुझे आपको हाथ में भल भाव एमती चकुड़ी नौ। तो ये आम जो आलूर मसलाटा बनईचे तो मसलाटा टी काठुआ रमा भी पा ए यूज करेंगे ना। तो आपण मैंने ये देखिपे आलू और बादाम सहित मुझे भल भाव मिसे सारे। तो ये मुझे करी आलू एमती छोटिया छोटिया भाग नहीं कि ओवल सेप देदेवी। तो ये आम जो सेप दबाना तो टिके टाइटली सेप दबा जमी न खोले। तो आपण मैंने ये देखिपे केमी टाइटली सेट हो रही। तो आपण मैंने आपण इच्छा सेप दे पारे। तो एमती भाव में मुझे सब आलू मसला को एमती ओवल सेप दे दूँ आपन को देखा। तो आपण मैंने देखिपे मुझे सब आलू मसला को एमती ओवल सेप दे सारी मो टोटाल दसटा हो। तो चलत नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। तो ये मुझे ब्रेड नहीं जाइए ये मुझे आटा ब्रेड नहीं आपड़ चाहिए नॉर्मल ब्रेड नहीं पारे। तो ब्रेड साइड को एमती काटि नहीं कि फ्राए करदे फ्राए कर तो ग्राइंडिंग करके ब्रेड क्रम बनई। तो ये आम कि पा ना ब्रेड को एमती पाने टे बुड़ेवा ब्रेड ओधाई सारापर हाथ में एमती पूरा चापी पा बाहर करदे। तापर एमें गोटे आलूर मसला आणिक चारिपटू एमती कभर करने को चेस्ट करवा। तो देखूँ बहुत इजिली ये कभर होपण या ओवल सेप ही देते ओवल सेप दे देखा बहुत भल लगी था। ब्रेड को बेस समय पानी रे बुड़े रखिए ना जस्ट बुड़े तापर सांगे सांगे उठेकिमी पानी चापीदे। तो आपण मैंने देखिपे आलू मसला सहित तो ब्रेड भल भाव कभर हो सारा। तो ये आम कौन करवा ताको ब्रेड क्रम रे बुड़ेबा ब्रेड क्रम रे ताको भल भाव गोलैबा। तो आपण मैंने देखिपे के सुंदर भाव में फास्ट ब्रेड कटलेट बनिक रेडी सारा।
ठीक ए प्रोसेस रे मु बाकी सब ब्रेड कटलेट बनै नउ छी तापर मु आपन मन को देखौ छी। तो आपण माने एटी देखि परुथबे केते सुंदर भाबरे ब्रेड कटलेट मु बनेय कि रखी सारीची। तो चालंतु एबे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। तो एबे आमे ए सब को छाणीबा। तो छाणिया पई एठी मु तेल गरम करि सारीची। तेल को बहुत भलो भाबरे गरम करिवे। तो ए सब जिंस को हाई फ्लेम रे छाणीबे। हाई फ्लेम रे छाणीथिले भलो क्रिस्पी लागी थाय आ तार कलर भी बहुत भलो आसथाय। तो ए कटलेट को तेल रे दबा मात्रे आमे सांगे सांगे ताको उल्टेइबा। देखंतु एमदी चामच सहाय रे धीरे धीरे ताको उल्टेइबा। बेसी जोर करिबा नाही कारण ए भांगी जिवार संभावना थाए। तो हाई फ्लेम रे जेहेतु आमे छाणुचंती ताले एमदी कंटीन्यूअसली एमदी माने उल्टौथिबा। आपण को एठी जेमिती कलर पसंद जदि आपण को टिके डार्क कलर पसंद तो आपण टिके समय रखि परिबे। जदि आपण को गोल्डन ब्राउन कलर पसंद होतिबा ताले आपण ए टाइम रे बाहर करि परिबे। तो आपण माने एठी देखि परथुबे केते सुंदर भाबरे ब्रेड कटलेट बनी कि रेडी हे सरिछि। ओतर कलर भी बहुत भलो आसिछि। एबे मु छाणी नउछि आ बाकी सब को ठीक एही प्रोसेस रे छाणी नेबी। तो शीत दिन इवनिंग टाइम रे ए भलिया गरमा गरम स्नैक्स बनांतु आ समस्त को खाइबा को दियंतु। खाइबा को बहुत टेस्टी हेई थाए। तो आपण माने एठी देखि के जानि परुथिबे ए सब केते क्रिस्पी हेई थिबो आ कलर भी तार बहुत भलो आसी छि। तो मु एठी आपण मानु को केते क्रिस्पी नेस्ट तार मु चेक करिक आपण को देखौ छि। तो आपण माने ता आवाज रु जानि परुथिबे ये केते क्रिस्पी हेई छि। तो एठी मु आपण को गोटे भांगी के देखौ छि ता भितर रो स्टफिंग केते सुंदर हेई छि आ खाइबा को बहुत भलो। या सहित आपण माने टमाटो केचप नहीं पारे या जेकोसी आपणकर चटनी अच्छी ताकू मध्य नहीं पारे। तो वीडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ।